मॉर्निंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट वन कंप्लीट हो गया। पार्ट टू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उस सीरीज के हेल्प से आप स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर और रिएक्टिविटी कौन ब्रेक्स कर रहा है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट क्लास हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया था, प्लानिंग भी समझा दिया था, थ्योरी भी हो गया था, क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आईटी एडवांस में, मेन में भी आया हुआ है, पीएमटी में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम के लिए 5 क्वेश्चन और मैंने बोला था, 5 क्वेश्चन और, जिसमें 4 आईटी एडवांस का है और 1 मेडिकल का है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, वो 5 क्वेश्चन पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद मोल कंडक्टेंस प्लान करेंगे हम लोग। स्टार्ट करें। एक नीट का क्वेश्चन है ये और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है और सारा रिडक्शन पोटेंशियल ही है। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे है +7 और +7 से ये डिक्रीज होके +5 जा रहा है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा लिखा हुआ है। यहाँ से डिक्रीज करके +1 गया, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ से डिक्रीज करके 0 गया, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी डिक्रीज करके ये -1 गया। तो ये चारों डाटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है, मतलब आप चाहे तो इस क्वेश्चन को जैसे ऐसे रिएक्शन करके लिखा हुआ था नीट में, अच्छा क्वेश्चन है, और आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ई स्टैंडर्ड जो है BrO4 - BrO3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू है +1.82 वोल्ट, ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट कर लें, आप BrO3 - 2HBrO, ऐसे लिख सकते हैं। ये डाटा हो गया 1.50 वोल्ट, ये प्लस में। आप चाहें तो स्टैंडर्ड यहाँ पे HBrO से यहाँ पे Br2 में कन्वर्ट हो गया और ये डाटा है +1.59 वोल्ट, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड यहाँ पे Br2 - Br-, ऐसे, और ये डाटा है +1.06 वोल्ट, ऐसे। इस तरह से आप डाटा कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा वही चीज है, सब में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ऐसे बना सकते हैं। अब इन सब में देख रहे हैं, इन सब में जो लोएस्ट डाटा है ये सबसे लोएस्ट है, ठीक है, ये लोएस्ट, ठीक है। तो जो लोएस्ट रहेगा ये इसको आप बोलेंगे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो। और इन चारों में सबसे हाइएस्ट है, ये हाइएस्ट हो, ठीक है। तो जो हाइएस्ट डाटा हुआ, हाइएस्ट डाटा में इस साइड को, और ऐसे भी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जानते हैं, पढ़ चुके हैं। सो अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बनाना हो तो रिड्यूसिंग एजेंट में Br-, ये Br- द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसके बाद ये HBrO और उसके बाद ये आएगा Br2 आएगा, ये Br2, और उसके बाद ये आएगा BrO3 हो गया माइनस। ये ऑर्डर है रिड्यूसिंग एजेंट का, देखिए प्लानिंग करिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट का है और इसके उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके जगह पे यहाँ Br2 कर लेंगे, HBrO के जगह यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे बेस्ट BrO4 - BrO4-, ये हो गया, और हाइएस्ट है उसके बाद हाई में ये आ गया, और यहाँ आ जाएगा HBrO हो गया। और यहाँ देखेंगे आप नेक्स्ट, ये कौन सा बच गया, सॉरी, सबसे हाईएस्ट ये हुआ, उसके बाद ये डाटा हुआ, फिर उसके बाद ये BrO3-, रिचेक कर लेंगे। सबसे हाइएस्ट है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग, इससे थोड़ा सा छोटा ये है, ये स्ट्रांग उसके बाद आएगा, इससे छोटा ये है तो ये वाला आएगा, और सबसे छोटा ये है तो ये, तो ये है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये तो आप बना लेंगे रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ डिसप्रोपोर्शनेस, पढ़े हुए आप 11th क्लास में, खूब सारा रिएक्शन, 20 रिएक्शन तो मैंने पढ़ाया है, और कई बार आप इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे ऊपर में लिखते रहूँ, थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ करता हूँ। तो डिसप्रोपोर्शनेशन, ये डिसप्रोपोर्शनेशन डिस
मैट्रिक्स प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है बोथ बोथ इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर जाए और डिक्रीज भी कर जाए, अगर इंक्रीज किया तो रिड्यूसिंग एजेंट, डिक्रीज किया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप लिखेंगे इसका मतलब वो कंपाउंड खोजिए एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जो रिड्यूसिंग एजेंट भी हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो, तो ये तो प्योर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो प्योर रिड्यूसिंग एजेंट, प्योर रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हटा देंगे तो है भी नहीं इसमें। और ये है प्योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है प्योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट को हटा देंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इस पर भी हटा सकते हैं। अब बीच में ऐसे खोजिए, इस तरह से आप खोजिए कि जो बीच में आ जाए, ये भी हटेगा क्योंकि ये भी एकदम नीचे है, जो नीचे है बॉर्डर पे उन सबको हटाइए, ये सबको हटा दीजिए क्योंकि ये जो सेट है ये रिड्यूसिंग एजेंट का और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सेट है, तो ये सेट हटाएंगे, ये भी सेट हटाएंगे और ये भी सेट हटा देंगे, तो बच गया कौन सा, एच बी आर ओ। यही एच बी आर ओ यहाँ पे भी है, बीच में आ रहा है, और एच बी आर ओ यहाँ पे भी बीच में है कि एच बी आर ओ दोनों का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। और कोई लीजिएगा तो बाउंड्री में ऊपर चला जाएगा ये, और ये भी ले रहा है तो सबसे नीचे आ गया, ये भी सब ऊपर और नीचे आएगा, तो जो बीच में आएगा, जो बीच में है तो उसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रहेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का भी नेचर रहेगा। तो इसमें बेस्ट जो सबसे अच्छा होगा एग्जाम्पल आर डी, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये इस रिएक्शन ऐसे दिया हुआ था, चेन दिया हुआ था, तो उसको पहले ब्रेक करना, लो और हाई डाटा देखना, उससे आपको अरेंज करना रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड उसके बाद थोड़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक उसको रिलेक्ट करना था, विच सो डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये दोनों इंक्रीज डिक्रीज दोनों होगा, इसका मतलब एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हुआ। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है वो है डी एच बी आर ओ, फाइन। सो काफ़ी अच्छा मेडिकल क्वेश्चन था, फोर क्वेश्चन और है, चारों आई टी एडवांस का है और मेडिकल में भी आया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आई टी एडवांस का है और मेडिकल में भी बाद में पूछा हुआ क्वेश्चन, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन है आई टी एडवांस और मेडिकल के लिए क्वेश्चन, और चार डाटा लिखा हुआ, एक दो तीन चार, चारों रिडक्शन के फॉर्म में ही है, चारों रिडक्शन पोटेंशियल ही है लिखा हुआ। नाउ इनकरेक्ट चाहिए, इनकरेक्ट रिगार्डिंग टेस्ट ऑफ, वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब टेस्ट ऑफ फेरस नाइट्रेट का मतलब इसमें फेरस के लिए टेस्ट करने के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट लिखा हुआ। ऑप्शन ए, MnO4 कैन बी यूज्ड इन एक्वस HCl, ऑप्शन ए, मैं एक ऑप्शन चेक करता हूँ फिर आगे देखेंगे हम लोग। MnO4 कैन बी यूज्ड इन MnO4 कैन बी यूज्ड इन एक्वस HCl, सो एक्वस HCl, सो MnO4 और HCl मिला करके इसको यूज कर सकते हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट किसका करना है, टेस्ट ऑफ फेरस। डाटा देख लेंगे, डाटा आप चेक कर लीजिए, डाटा सब, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन है, डाटा सारा रिडक्शन का फॉर्म है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें लोएस्ट वैल्यू, सबसे लो वैल्यू, सबसे चारों में सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। सो इसी को अरेंज करते हैं फिर प्लान करते हैं, तो मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को, ठीक है, मिटाता हूँ और मैं थोड़ा अरेंज करना चाहूँगा। सबसे लो वैल्यू ये है, तो ये सारे लोग इधर के लोग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो इधर के रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ यहाँ पे आयरन, आयरन प्लस टू ये, और बदले में आयरन प्लस थ्री,
सबसे लो वैल्यू है, देन ये है आपका 1.38, सो क्रोमियम प्लस 3, और उस साइड में Cr2O7 2 माइनस। नेक्स्ट वैल्यू हुआ ये Cl माइनस, और इधर हुआ Cl2, ये वैल्यू हो गया। नेक्स्ट 1.51 Mn प्लस 2 और MnO4 माइनस, ये प्लान कर लीजिए जैसे हर क्वेश्चन में आप लिखते हैं। और आप लिखेंगे यहाँ पे, ये है पैटर्न है रिड्यूसिंग एजेंट और ये पैटर्न है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सो आप लिख सकते हैं, और यहाँ जो स्टेटमेंट लिखेंगे आप स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि इसको देख करके, जैसे हमें इसके बारे में पढ़ना है तो ये उस जो डाटा देख रहे हैं, और इसके लिए आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि MnO4 यहाँ पे MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजेज, ठीक है, ऑक्सीडाइजेज, ये जो ऑक्सीडाइजेज इन तीनों को ऑक्सीडाइजेज किसको Cl माइनस क्रोमियम प्लस 3 एंड फेरस तीनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये जो लैंग्वेज है MnO4 कैन बी यूज इन एक्वस HCl, ये लैंग्वेज गलत है क्योंकि जब MnO4, अगर आप MnO4 यूज करेंगे एक्वस HCl में, HCl का मतलब Cl माइनस, और टेस्ट किसका करना है तो ये फेरस का टेस्ट करना है, तो ये जो है ये इससे भी रिएक्शन कर लेगा और ये इससे भी रिएक्शन कर लेगा क्योंकि MnO4 ऑक्सीडाइजेज Cl माइनस Cr प्लस 3 एंड फेरस तीनों ऑक्सीडाइज कर लेगा, मतलब इससे भी रिएक्शन कर लेगा, इससे भी रिएक्शन करेगा, तो सही नहीं। हमें टेस्ट करना है ओनली फेरस का, गलत से स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, ये आंसर मेरा यही हो जाएगा। और मैं चेक कर लेता हूँ, ये इनकरेक्ट है, ये जो लैंग्वेज है वो इनकरेक्ट हो, और मैं चेक कर लेता हूँ ये इनकरेक्ट हो, ठीक है, ऑप्शन बी। अब मैं मिटा सकता हूँ ऊपर, चलिए क्योंकि ये जो आप यूज करेंगे तो इसमें टेस्ट दोनों का टेस्ट हो जाएगा, जबकि मुझे टेस्ट करना है ओनली फेरस का। बी ऑप्शन लिखा हुआ Cr2O7 कैन बी यूज इन एक्वस HCl, Cr2O7 कैन बी यूज इन एक्वस HCl। चलिए चेक करते हैं, देखिए ये Cr2O7 है, इसके बारे में अगर लिखेंगे तो Cr2O7 ऑक्सीडाइज वनली फेरस, आपका लैंग्वेज लिखना मैंने सिखाया था लास्ट क्लास कि ये Cr2O7 ऑक्सीडाइज वनली फेरस, तब तो ये एकदम करेक्ट है क्योंकि यहां लिखा जा रहा है टेस्ट करने के लिए Cr2O7 2 माइनस, टेस्ट करना है HCl, HCl का मतलब Cl माइनस, और फेरस ये मीडियम एक क्लोराइड है, तो ये जो है ऑक्सीडाइज करेगा, ये सिर्फ इससे रिएक्शन करेगा, ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा, तब तो सही है, टेस्ट ऑफ फेरस था, तो ये तो लाइन करेक्ट है, ये तो करेक्ट हो गया, हम लोगों को खोजना था क्या, इनकरेक्ट। नेक्स्ट थर्ड, MnO4 कैन बी यूज्ड इन H2SO4, MnO4 कैन बी यूज्ड इन H2SO4, सो MnO4 लिखा हुआ है, MnO4 कैन बी यूज्ड इन एक्वस H2SO4 एंड यूज्ड इन एक्वस H2SO4, ऐसे लिखा हुआ। सो ये इसमें तो है नहीं, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तो देखिए आप समझिए, यहाँ ऑप्शन है नहीं, बट वो अपने से समझना है कि देखिए यहाँ पे MnO4 माइनस है और यहाँ पे यूज करना है मीडियम है H2SO4 और ये है आयरन फेरस, ये फेरस हुआ, तो आप इसमें तो सल्फेट है ही नहीं,
इसमें सल्फेट है ही नहीं, तो कैसे हम समझेंगे? वो अपने साथ आप बहुत सारा साइंस पढ़ चुके हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए ये है अपना प्लस सेवन वाला, ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ये मीडियम है, ये भी अपने प्लस सिक्स पे है, सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आयरन है प्लस टू है, आयरन प्लस टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इससे रिएक्शन तो कभी भी करेगा ही नहीं और ये इससे रिएक्शन कर जाएगा, तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं टेस्ट ऑफ द फेरस फेरस में, जबकि सल्फेट उसमें नहीं है, फिर भी आप अपने से रिलेट कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट से, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग तो खुद तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो हम लोगों को इनकरेक्ट चाहिए था, ये करेक्ट है, एग्जैक्टली सेम कैन बी यूज इन एक्वस H2SO4, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है डी में, इसलिए कि ये Cr2O7 टू माइनस प्लस, यहां है H2SO4 और यहां है फेरस, और आप जानते हैं कि यहां क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस सिक्स, ये प्लस सिक्स हाइएस्ट है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फर भी अपने हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये भी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है प्लस टू और ये है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एक मीडियम का रोल प्ले करेगा, ये आपस में तो रिएक्शन नहीं करेंगे बट हाँ ये इससे रिएक्शन कर जाएगा, तो इससे आप टेस्ट कर सकते हैं, ये टेस्ट ऑफ दो फेरस, फेरस का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ फेरस है, तो दो अपने से आपको सोचना था, दो रिएक्शन से आपको रिलेट करना था। IIT एडवांस का काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन, तो ये दोनों यूज इन टेस्ट ऑफ, तो ये रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं, यूज इन टेस्ट ऑफ ऑफ फेरस, ये कर सकते हैं आप, तो फेरस के टेस्ट में ये यूज कर सकते हैं, यूज इन टेस्ट ऑफ फेरस, तो ये आप कर सकते हैं। दो रिएक्शन हुआ, दो क्वेश्चन हुआ, तीन क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन IIT एडवांस का है और ये पैसेज है, इसमें तीन क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो पहले हम लोग प्लान बना लेते हैं कि ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल में है, ये भी रिडक्शन में है, रिडक्शन और रिडक्शन में प्लानिंग करते हैं, सबसे लो वैल्यू इन चारों में सबसे लो वैल्यू ये है, सो लो वैल्यू है, तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लो वैल्यू ये है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, और इस साइड में ऐसे प्लान कर लेंगे आप, तो ये पैटर्न हम लोग बना रहे हैं कि ये पैटर्न होगा रिड्यूसिंग एजेंट का और इस साइड हम लोग पैटर्न बनाएंगे ये हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो सबसे लो वैल्यू सब रिडक्शन में है, लो वैल्यू, उसके बाद जो नो 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 सबसे लो तो ये हुआ ना, प्लीज प्लीज करेक्शन 0.54 प्लीज, यहाँ पे आई माइनस और फिर यहाँ पे आई टू, थोड़ा करेक्शन आप प्लीज यहां पे लिख लेंगे, ये लोएस्ट वैल्यू है, ये इन चारों में एक बार फिर से देख लीजिए, ये लोएस्ट लोएस्ट वैल्यू है, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आई माइनस, और ये उधर जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में। नेक्स्ट उसके बाद, इसके बाद आ रहा है ये डाटा, इन फिर इन तीनों में ये आया, तो ये आया, तो इधर वाटर लिखेंगे और इधर ऑक्सीजन, वाटर और इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एच प्लस, ऑक्सीजन ऑफ 4H+, ये ठीक है, ऑक्सीजन ही कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट हो गया इनमें 1.36 में Cl- माइनस यहाँ आएगा और यहाँ पे Cl2 आ जाएगा। नेक्स्ट 1.5 तो Mn+2 यहाँ आएगा और यहाँ पे आ जाएगा Mn+3, हो गया ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ना। उसके बाद अब स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं अब यहां पे, उसी में से ऑप्शन है, ऑप्शन मैच करना है, काफी इजी है, मैं स्टेटमेंट मुझे लिखने दीजिए, देखिए यहां पे ठीक है,
ऐसे इसके बारे में लिखना है, आई माइनस ठीक है रिड्यूसेस रिड्यूसेस किसको किसको, ये है रिड्यूस करेगा इन चारों को किसको किसको, तो आई माइनस रिड्यूसेस आयरन प्लस थ्री ऑक्सीजन और किसको क्लोरीन को और किसको Mn प्लस थ्री, इन सबको रिड्यूस कर लेगा ठीक। नाउ नेक्स्ट Fe प्लस टू, Fe प्लस टू तो Fe प्लस टू जो है रिड्यूसेस ये रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस किसको किसको रिड्यूस कर रहा है Fe प्लस थ्री, तो रिड्यूसेस ऑक्सीजन Cl2 Mn प्लस थ्री, ऑक्सीजन Cl2 और Mn प्लस थ्री इन तीनों को रिड्यूस करेगा ठीक है। नाउ वाटर, यहां आएंगे वाटर ठीक है, और रिड्यूसेस किसको रिड्यूस करेगा Cl2 Mn प्लस थ्री, Cl2 और Mn प्लस थ्री पढ़े हुए हैं। नाउ इसके बारे में पढ़ेंगे, Cl माइनस रिड्यूसेस किसको Mn प्लस थ्री को, ये किसी को रिड्यूस नहीं करेगा, उस साइड चलते हैं ठीक है। यहां इसके बारे में लिखेंगे Mn प्लस थ्री ऑक्सीडाइजेज ऑक्सीडाइजेज इन चारों का लिस्ट बना लीजिए, ऑक्सीडाइजेज किसको किसको Cl माइनस वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा, फेरस को ऑक्सीडाइज करेगा और किसको I माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा ठीक। बोलिए Cl2 ऑक्सीडाइजेज ऑक्सीडाइजेज वाटर फेरस I माइनस, नेक्स्ट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज किसको किसको फेरस I माइनस, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजेज ये जो फेरिक है फेरिक ऑक्सीडाइजेज किसको I माइनस, और ये तो I2 किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, हो गया। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, तीन पार्ट है क्वेश्चन, तीन पार्ट में है, ऑप्शन दे रहा हूं एक एक करके। नंबर वन ए आईटी एडवांस क्वेश्चन, क्लोराइड एंड एच ऑक्सीडाइज्ड बाय O2, क्लोराइड एंड एच ऑक्सीडाइज बाय O2, सो O2 इसका मतलब O2 ऑक्सीडाइज क्लोराइड एंड O2 ऑक्सीडाइजेज इन्हीं दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल, चेक कर लीजिए। बी आयरन प्लस टू इज ऑक्सीडाइजेज बाय आयरन प्लस टू इज, आयरन प्लस टू इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन, बाय आयोडीन ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन ठीक है, आयरन प्लस टू इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन, गलत, आयोडीन तो किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, आयोडीन तो किसी को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता। सी आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, सो क्लोरीन ऑक्सीडाइजेज आई माइनस, करेक्ट है, क्लोरीन सीएल टू ऑक्सीडाइजेज इन तीनों को ऑक्सीडाइज करेगा तो आयोडाइड माइनस को कर देगा, आयोडाइड माइनस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडाइड माइनस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, देखिए ये करेक्ट है। डी Mn प्लस टू इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, Mn प्लस टू इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, Mn प्लस टू इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, Mn प्लस टू क्लोरीन ऑक्सीडाइजेज सिर्फ इन्हीं तीनों को ऑक्सीडाइज करेगा, Mn प्लस टू उसके नीचे है, ये पॉसिबल नहीं है, कितना इजी आई टी एडवांस का क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आएगा,
दो इजी है और एक दूसरे टॉपिक का दिया हुआ है, बट था तो तीनों एक साथ ही, बट पढ़ा हुआ आपका। सो सेकंड पार्ट इस साइड में मिटा दे रहा हूँ, आएगा तो लैंग्वेज अपना लिख लीजिएगा, वो आपके कॉपी में तो है। सेकंड पार्ट फिर से वही करेक्ट होगा, करेक्ट इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, करेक्ट ही पूछा जा रहा है। सो O2 ऑक्सीडाइजेज, अगेन फिर से वही चीज है, फिर से भाई O2 ऑक्सीडाइजेज, गलत गलत गलत, O2 ऑक्सीडाइजेज सिर्फ इन्हीं दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, नीचे तो जा ही नहीं सकता है, तो ये गलत है। बी O2 ऑक्सीडाइजेज, फिर से गलत ही है, ऑक्सीडाइजेज Mn+2 टू Mn+3 एंड Ir+2 2+3, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मैंगनीज को तो ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, मैंगनीज को ऑक्सीडाइज तो नहीं करेगा, बट आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइजेज बोथ लिखा हुआ, बोथ मैंगनीज +2 to +3 एंड Ir+2 to +3, गलत, आयरन को कर देगा, आयरन को कर सकता है बट मैंगनीज को नहीं, मैंगनीज को नहीं ऑक्सीडाइज करेगा। एकदम आसान है, देखिए एकदम इजी, आप प्लांट बनाना मैंने लास्ट क्लास सिखाया था आपको। सी Ir+3 ऑक्सीडाइजेज वाटर, Ir+3 टू ऑक्सीजन, चेक करते हैं, Ir+3 ऑक्सीडाइजेज I-, गलत, ये गलत है, ये तो एकदम गलत है, Ir+3 सिर्फ I- को ऑक्सीडाइज करेगा, तो बच गया आंसर डी, डी करेक्ट है। Mn+3 ऑक्सीडाइजेज, Mn+3 ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन, वाटर टू ऑक्सीजन, ये तो करेक्ट है, लिखा हुआ Mn+3 ऑक्सीडाइजेज वाटर, वाटर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, करेक्ट हो। बहुत ज़्यादा इजी IT एडवांस का, बट अगर आप लास्ट क्लास पूरा रिजल्ट पढ़े हुए हैं तो ये पांचों क्वेश्चन बेस्ट, एक क्वेश्चन और है, तीन यहाँ पे और दो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो 5 क्वेश्चन बचा हुआ था। सो एक पार्ट और है इसी में, ये पैसेज था IT एडवांस का और एक पार्ट और है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये दूसरे टॉपिक का है बट पढ़े हुए ये हम लोग जानते हैं, लिखा हुआ है नाउ इसमें ब्लू सोल्यूशन। सो यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंस ऑफ एयर, पूरा बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ, प्रूसियन, मैं फाइनल लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, प्रूसियन ब्लू प्रेसिपिटेट, प्रूसियन ब्लू प्रेसिपिटेट, ये पूरा लिखा हुआ द क्या है फॉर्मूला, ऑप्शन ABCD ऐसे लिखा हुआ। पढ़े हुए कॉम्प्लेक्स, आपका कॉम्प्लेक्स टॉपिक कंप्लीट हो गया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसमें लास्ट में मैंने आपको टेस्ट भी बताया था। सो डी ब्लॉक में भी पढ़ना था, ये मैंने आपको बताया था ब्लू कलर इंक, ये प्रूसियन ब्लू कैसे बनता है वो सब कुछ मैंने बताया था, कि प्रूसियन ब्लू जो है वो ब्लू, ये जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो उसमें भी प्रूसियन ब्लू होता है, ब्लू कलर इंक होता है,
इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, फेरी फेरी फेरिक फेरिक से सी हटा हुआ, फेरी फेरो फेरी फेरो साइनाइट, ऐसा रहे एक कॉम्प्लेक्स में पढ़ा हुआ है आपका। तो यहां पे अगर आप ये कंपाउंड देख लेंगे Fe4 और Fe यहां पे है और CN होल 6 का होल थ्राइस ऐसे, सो 4 हुआ फेरिक, ये है प्लस 3 थ्री Fe और CN होल 6 3 माइनस ऐसे, तो आप चेक कर लेंगे, सॉरी हाँ 4 फेरी 4 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये है 4 माइनस, इसलिए कि यहाँ चार्ज चार्ज जो है 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव ऐसे, और फेरी फेरोसाइनाइड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, और ये फेरो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है, तो ये है फेरी फेरोसाइनाइड फेरी फेरोसाइनाइड ऑप्शन ए। ये कंप्लीट हुआ हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, अरेंज करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब पूछा जाता है। सो आईटी एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन, मेडिकल के भी, आईटी मेन में भी आया हुआ, सो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को प्लान करना है मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोहलरस लॉ, हकल डिबाय इक्वेशन है एक, और कई टॉपिक जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम से हम लोग रिलेट करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिलेट करना है कुछ टॉपिक में आपको, और क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता भी है पेपर में। स्टार्ट करते हैं, कोहलरस लॉ एक बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, एक ही पैटर्न है, उसी पैटर्न पे 10 बार क्वेश्चन पूछा हुआ मेडिकल में और आईटी मेन में, एडवांस में काफ़ी इजी माना जाता है कोहलरस लॉ को, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है। तो अभी हम लोग कुछ पुराने टॉपिक थोड़े से रिपीट करते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगा और उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 रिजल्ट, हम लोग का आज रिजल्ट रहेगा अभी, तो नंबर 1 रिजल्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो स्टार्ट करते हैं, कई बार पढ़े होंगे पहले फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं आप, तो आप जानते हैं वही रिपीट करना है पहले आपको, आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड वो हम लोग पढ़े हुए हैं, सेपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन टू द फ्री आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, वो एक्वस सोल्यूशन पानी में डालते हैं वो सेपरेट कर जाना। नमक, आप घर में नमक यूज करते हैं, आप टेबल सॉल्ट है उसको पानी में डालते हैं, चम्मच से ऐसे चलाएंगे, नमक सब कुछ इधर उधर डिसोसिएट करके जस्ट सेपरेट हो जाएगा आयंस में और नमक दिखेगा नहीं, तो उसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं। जानते हैं आपकी सेपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ऑफ आयनिक कंपाउंड इंटू फ्री आयंस इन एक्वस मीडियम इन वाटर इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। सो इट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन, सिंपल। सो आयोनाइजेशन सेपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इंटू फ्री आयंस इन वाटर मीडियम एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। क्यों आयोनाइजेशन होता है वो आप जानते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे। नमक, टेबल सॉल्ट आप ले लीजिए, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, हम लोग उसी को स्टडी करते हैं, घर में देखते हैं हमेशा नमक आप पानी में डालेंगे तो तुरंत डिजॉल्व कर जाता है, 100% लेवल है, और क्यों हो रहा है, क्यों आयोनाइज हो रहा है वो सब आप जानते हैं। नाउ यहाँ पे NaCl ले लेंगे, ये सॉलिड, ठीक है, आप जानते हैं इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। यहां है सोडियम प्लस और Cl माइनस, यह है फिक्स्ड आयन, फिक्स्ड
आंसर। सो सोडियम और क्लोराइड Na प्लस Cl माइनस फिक्स आयन है, और जो फिक्स आयन है इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स, वो फोर्स है 1/4 πε0, और यहाँ E1 Q1 Q2 लिख सकते हैं R2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोडियम एंड क्लोराइड आयन, सब पढ़ा हुआ। अब ये नमक टेबल सॉल्ट है, किचन में रहता है, आप जानते हैं कि सॉलिड है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन। इसको उठा के पानी में डाल दीजिए, ठीक है, वाटर में ऐसे डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए NaCl। जैसे इसको पानी में डालेंगे, वाटर में डालते ही ये Na प्लस आयोनाइज हो जाएगा, ये फ्री आयन्स हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों फ्री एकदम सेपरेट हो जाएगा, और ये फ्री आयन वाटर मीडियम में ये फ्री आयन्स हो जाएगा। इन वाटर मीडियम कैसे फ्री हो गए देखिए यहां पे, ठीक है। आप जानते हैं कि जैसे ही वाटर में डालते हैं, आप घर में देखते हैं टेबल पे, आप जो मान लीजिए नींबू पानी आप बनाते हैं तो थोड़ा नमक हम लोग डालते हैं, नमक डाल के चम्मच से चलाएंगे एकदम पूरा नमक डिजॉल्व हो जाता है, 100% सोलेबल, 100% आयोनाइज हो जाता है, ये फ्री आयन्स हो गया, इसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि जब आप वाटर, आप जानते हैं फिजिक्स में कि वाटर जो है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 81 होता है। नाउ के, के क्या है, तो के फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कई जगह पहले पढ़े हुए हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कई टॉपिक में कम से कम 4 बार 5 बार आप पढ़े होंगे, बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं, आयनिक बॉन्ड में पढ़े हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं, फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हुए हैं, कई टॉपिक में आप इन सब चीज़ों के डिस्कस करते हैं। और जैसे ही यहाँ पे वाटर आ गया, और ये वाटर में एक डायलैक्ट्रिक मीडियम आ गया, तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द वाटर है, तो ये जो फोर्स नया फोर्स हो जाएगा, नया फोर्स जो हो जाता है वो साइंस में 1/4 πε0 के जस्ट बगल में किया जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से सट के बैठता है के, आप जानते हैं, और यहाँ पे E1 और E2 और डिवाइड बाय R2। आप जान रहे हैं कि ये जो फोर्स है F डैश, जो पुराना फोर्स है उससे के टाइम घट जाएगा, के टाइम घटेगा, ये पुराना वाला फोर्स है नीचे में के आया है, तो जो नया फोर्स हुआ पानी में जब आपने डाला तो वो उस समय फोर्स जो होगा वो 81 टाइम घट जाएगा। आप देख रहे हैं कि वाटर में डालते हैं ये फोर्स 81 टाइम घटा, और 81 टाइम घटते हैं ये आयोनाइज हो जाएगा, फ्री आयन्स एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा, फ्री आयन्स, इसी को तो आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो आप घर में देखते हैं कि नमक, एक चम्मच नमक लिए पानी में डाले ऐसे घुमाए, नमक गायब हो गया, क्योंकि ये सॉलिड है, बाहर में पाउडर फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म है, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जैसे ही आप वाटर मीडियम में डालते हैं तो फोर्स जो है डिक्रीज करता है 81 टाइम, कुछ बुक में 80 भी लिखा रहता है, के का वैल्यू डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, कुछ कुछ बुक में 80 भी लिखा रहता है, तो 80 टाइम या 81 टाइम घट जाएगा और बहुत कम हो जाता है, ये फोर्स जो होता है काफ़ी वीक हो जाएगा, F डैश जो होगा मच मच वीकर देन F, और इसके चलते ये फ्री एकदम फ्री होंगे, दोनों एक इधर चला जाएगा, इसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं, आयोनाइजेशन सेपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू द फ्री आयन्स, ये फ्री आयन, अभी ये फिक्स आयन है, रॉक सॉल्ट फिक्स आयन है, बंधे हुए हैं, वहाँ फ्री हो गया, वही फ्री होते ही अलग हो गया, दोनों मिस हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो इसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं। आया हुआ पेपर में, आयोनाइजेशन डिपेंड ऑन डायलूशन, ये PMT का क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डायलूशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो पहले पढ़े हुए हैं। आयोनाइजेशन देखिए फ्री आयन्स में ब्रेक किया, तो यही यही जो आप प्रोसेस देख रहे हैं यही है आयोनाइजेशन। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन डिपेंड ऑन डायलूशन, ऑन डायलूशन। सो आयोनाइजेशन है, डायलूशन पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डायलूशन, ये डायलूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है आयोनाइजेशन। तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन, आपको स्टार्टिंग में ये सब पढ़ा हुआ टॉपिक है, बट जानना है, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आयनिक इक्विलिब्रियम का कुछ रिजल्ट है, और आपका आयोनाइजेशन बॉन्डिंग का रिजल्ट हो गया, कंडक्टेंस का आएगा, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो ये सब चीज़ें पढ़ना आपको।
तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हुआ जो पढ़ा हुआ था। सेकंड पॉइंट, सेकंड में आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायलूशन। हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ डायलूशन। एक डायलूशन पढ़ते हैं नॉर्मल डायलूशन और दूसरा बोलते हैं इनफाइनाइट डायलूशन। बड़ा आसान है, एकदम सिंपल सा। दोनों में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे। नंबर वन, नंबर वन में हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डायलूशन। नॉर्मल डायलूशन, नॉर्मल डायलूशन में इसमें आप बोलेंगे लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, लिमिटेड कम ही अमाउंट रहता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का अमाउंट थोड़ा कम रहता है, सो आप नॉर्मल डायलूशन में ऐसे आप फिगर बना लेंगे और बोलेंगे ये है नॉर्मल डायलूशन, ये कंटेनर है और कंटेनर में थोड़ा सा वाटर ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा वाटर लेना है और थोड़ा मोड़ा वाटर लेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल डायलूशन। ये है वाटर, तो नॉर्मल डायलूशन हो। और दूसरा पढ़ना है इनफाइनाइट डायलूशन। इनफाइनाइट डायलूशन में एक्सेस वाटर आप ले लीजिएगा, एक्सेस वाटर। सेकेंड, इनफाइनाइट डायलूशन। इनफाइनाइट डायलूशन इनफाइनाइट डायलूशन का मतलब एक्सेस वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। सो इनफाइनाइट डायलूशन में हो गया एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लेना इनफाइनाइट डायलूशन में। तो इनफाइनाइट डायलूशन में आप कंटेनर में एक्सेस वाटर ले लेंगे। तो ये वाटर आप अगर एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो वो इनफाइनाइट डायलूशन होगा। सो नॉर्मल डायलूशन एंड इनफाइनाइट डायलूशन। नेक्स्ट पढ़ना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग प्लान करते हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो आप पढ़े थे ना, वो उसी को हम लोग यहाँ पे रिपीट करना है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जरूरत पड़ता है आपको और आता है मेडिकल में, कई क्वेश्चन आए हुए हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। तो अभी थ्योरी है ये सब तो पढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो थर्ड, सो नंबर वन में हम लोग बात करें अल्फा। अल्फा को हम लोग पढ़ते थे DOD, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी था और गैस लॉ में भी था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या आप बोलते थे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी पढ़ते थे। सो अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये पढ़ना था, ठीक है, जो पढ़ते थे हम लोग, आप पढ़े हुए आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर मैं वीक एसिड ले रहा हूं, नाउ सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं फॉर वीक एसिड, अगर मैं एसिडिक एसिड ले रहा हूं, ये एसिडिक एसिड, आप जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड इज एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड एक वीक एसिड, ये वीक एसिड के कैटेगरी में आता है। एसिडिक एसिड हम लोगों को पढ़ा हुआ है कई टॉपिक में, थर्मोकेमिस्ट्री से लेकर आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, कई टॉपिक में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पढ़े हुए हैं कि ये जो है वीक एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अगर आप इसका पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो वेरी वेरी लो, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी वेरी लो इन नॉर्मल डायलूशन, इन नॉर्मल डायलूशन।
सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी वेरी लो का मतलब ये नियरली 1 to 2% आयोनाइज इन नॉर्मल डाइल्यूशन. सो नॉर्मल डाइल्यूशन अगर कम वाटर रहेगा तो बहुत कम आयोनाइज करता है, तो बहुत कम इसका आयोनाइजेशन बहुत कम रहता है. जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर ये नॉर्मल डाइल्यूशन में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप इसको कम अमाउंट में ऐसे ये कम अमाउंट ऐसे लेंगे वाटर का ऐसे, ये और इसमें आप अगर आप ऐड कर रहे हैं एसिडिक एसिड, अगर ये एसिडिक एसिड आप ऐड करेंगे, ठीक है, नॉर्मल डाइल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. तो नॉर्मल डाइल्यूशन जहाँ कम वाटर है तो ये बहुत कम आयोनाइज करता है, लिमिटेड इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा नियरली 1 to 2%, उससे भी कम होता है आयोनाइज, वो भी नॉर्मल डाइल्यूशन रहता है तब. तो पूछा भी जाता है कि इसका सोल्यूशन में क्या क्या रहता है, तो इसके सोल्यूशन में अगर आप इसका सोल्यूशन लेंगे जो नॉर्मल डाइल्यूशन के सोल्यूशन लेते हैं, तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोल्यूशन में देखिए जो नॉर्मल डाइल्यूशन का सोल्यूशन है उसमें क्या क्या है. मेजर पार्ट तो यही रहेगा, ये तो बहुत ज़्यादा यही रहता है क्योंकि 99% तो ये ब्रेक ही नहीं करेगा, थोड़ा सा कुछ पार्ट ब्रेक किया तो CH3COO, 1% ऐसे ब्रेक किया और H+ ऐसे ब्रेक किया, कुछ 1% ऐसे ब्रेक होता है और क्या है तो वाटर है ऐसे. तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें नॉर्मल डाइल्यूशन में क्या रहता है. हम लोग पढ़े हुए हैं सब आनी के क्लोरियम में, ये क्वेश्चन भी था कि अगर एसिडिक एसिड को वाटर सोल्यूशन में डालते हैं तो 99% तो ये खुद ही रहता है और 1% में ये आयोनाइज रहेगा, और या तो ऐसे ऐसे रहेगा और नहीं रहेगा तो ये दोनों को मिला दीजिएगा और मिला दीजिएगा तो H3O+ दोनों मिलेगा ना, तो H3O+ तो यहाँ कर सकते हैं, लीजिए हो गया. ये नॉर्मल डाइल्यूशन जब में बहुत कम आयोनाइज होता है, बट यही एसिडिक एसिड को अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन में डाल देंगे, एक्सेस वाटर में डाल देंगे, 100% आयोनाइज कर देता है. तो आयोनाइजेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन द डाइल्यूशन. इससे पहले भी देखे थे NaCl को कैसे आयोनाइज हो रहा था. तो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं, नाउ थर्ड पॉइंट, अगर यही एसिडिक एसिड ले रहे हैं, वीक एसिड ले रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% भी हो जाता है, 1 to 2% इन नॉर्मल डाइल्यूशन, बट 100% इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है. सो 100% इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सो थर्ड पॉइंट की यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आप चाहे तो 100% करें या 1 करें, 1 करना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब एक्सेस वाटर आप लेंगे तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाता है. इसी का नहीं, एनी वीक एसिड, फॉर एनी वीक एसिड, कोई भी वीक एसिड लें या स्ट्रांग एसिड लें, जैसे एसिडिक एसिड ले रहे हैं या कोई भी वीक एसिड लेंगे, HCl लें या कुछ भी आप फॉर्मिक एसिड ले लें, सब वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, सब वीक एसिड है, एनी वीक एसिड. सो एनी, कोई भी वीक एसिड, कोई भी वीक या एसिड या कोई भी वीक बेस भी ले लेंगे, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब एक्सेस वाटर, अगर इस कंटेनर में आप एक्सेस वाटर ले रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस वाटर, ठीक है, अगर इसमें आप वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे एक्सेस वाटर, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाता है. नॉर्मल डाइल्यूशन में 1 and 2% होता है, और अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले रहे हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कोई भी लीजिए, कोई भी किसी को भी आप ऐड कर देंगे, एनी वीक एसिड जो भी है उसको डालेंगे, अल्फा 100%. सो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन
डिपेंड ऑन डायलूशन, देखिए डायलूशन पे डिपेंड करता है, फिर से वही चीज आ गया, आया हुआ पेपर में ऑप्शन में रहता है कि आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन, ऑप्शन रहेगा डायलूशन। सो देखिए यहाँ पे पढ़ा हुआ सारा चीजें, सो आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन डायलूशन, तो ये सारा टॉपिक देखिए पहले भी पढ़ा हुआ, यानी कि इक्विलिब्रियम में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट कर ले रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करने का मेथड सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फोर, मोल कंडक्टर्स। मोल कंडक्टर्स डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको टर्म बता रहा हूं, मैं आपको डिफिनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर पढ़ेंगे मोल कंडक्टर्स, उससे कैसे क्वेश्चन बनाना है वो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ टर्म मैं बता दे रहा हूं मोल कंडक्टर्स। देखिए फोर्थ पॉइंट, ऐसे लिखते हैं हम लोग, इस तरह से लिखते हैं और ऐसे लिखेंगे ऊपर में और यहां लिखते हैं ऐसे। सो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि मोलर कंडक्टर्स, ऐसे बोलते हैं मोलर, एम लिखा हुआ है तो मोलर, ऐसे पढ़ेंगे मोलर कंडक्टर्स, और यहां लिखते हैं एट इनफाइनाइट, यहां लिखा हुआ इनफाइनाइट डायलूशन, मोलर कंडक्टर्स एट इनफाइनाइट डायलूशन। रीडिंग करना सीखिए, तो ये इसका रीडिंग है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन, ठीक है। इसको आप आयनिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग टर्म में आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, आयोनिक, आयोनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टर, इनफाइनाइट जब आ जाता है तो उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टर्स। तो मोलर कंडक्टेंस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की जगह जीरो भी लिखता है लोग, ऐसे जीरो भी लिख देते हैं ऐसे, इस तरह से लिखता है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म पहले प्रेजेंट करना सीखिए कि ये ऐसे डेल्टा लिखना है बट नीचे का लाइन नहीं रहेगा, और इनफाइनाइट डायलूशन एम फॉर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन, या आप लिख सकते हैं आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये प्रोपोर्शनल टू वन बाय मोलरिटी, ये वन बाई मोलरिटी होता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है मैं डिफाइन करूंगा अभी नहीं, अभी जस्ट प्लान करिए, वन बाई मोलरिटी, ये होता है वन बाई मोलरिटी, इससे हमें बस ये सीखना है अभी, अभी बस इतना सीखना है। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो है वो ऊपर में हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, एग्जैक्टली तो नहीं बट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल, ऐसे रिलेट कर सकते। और यहां से ऐसे रिलेट करिए कि अगर आप वाटर ऐड करते हैं, व्हेन वाटर, मान लीजिए इसमें वाटर सोल्यूशन में ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, पानी और डालते जाइए डायलूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगा,
सो इससे पता चल रहा है मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस डिपेंड ऑन डाइल्यूशन, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। देखिए, सो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डायलूशन, सो मोल कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डायलूशन। डायलूशन आप बढ़ाएंगे, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करेंगे, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म आपको रीड करना है, कैसे डिपेंड करता है, मोलरिटी रिवर्स में उल्टा होता है आपको। आगे हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे इसमें। ऐसे ही आप टर्म अभी समझिए, फाइव में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहाँ पे ऐसे इक्यू लगा दूँ ऐसे, तो मोलर कंडक्टेंस के जगह यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नाउ ये इसमें नहीं यूज होता है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल सकते हैं। इक्यू इक्यू इज इक्विवेलेंट यहां पे इक्विवेलेंट यूज कर लीजिए। सो इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, और इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मेलिटी आ जाएगा। जो मोलर कंडक्टेंस में मोलरिटी होता है वन बाय मोलरिटी, यहां जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस करेंगे इक्यू करेंगे, यहां नॉर्मेलिटी आ जाएगा। यहां नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये होगी। सो वाटर ऐड करेंगे, डाइल्यूशन होगा, बढ़ेगा, और इस तरह यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। आप रिजल्ट लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। सो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों को रिलेट करना हो, ये तो दोनों एक जैसा ही रहा और दोनों में रिलेशन चाहिए, तो आप डिवाइड कर लीजिए। सो आप जानते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय मोलरिटी। और मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय नॉर्मेलिटी। होगी, रिलेट करेंगे आप। सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर रिलेट करेंगे तो यहां पे मोलरिटी और यहां पे नॉर्मेलिटी। देखिए, मोलरिटी नॉर्मेलिटी, और आप तो जानते हैं रिलेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू मोलरिटी। एक्स फैक्टर पार्ट थ्री या पार्ट फोर में पढ़ेंगे, एक्स फैक्टर 100 एक्स फैक्टर में पढ़ाऊंगा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थ्री पार्ट फोर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो आप पुट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस और सॉल्व करेंगे एक्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्वेश्चन आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको। सो मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ये रिलेशन है एक्स एक्स फैक्टर, जो जिसको बहुत सारे टर्म है, एसिडिक हाइड्रोजन, बेसिक ओएच, चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन एनायन, अभी यहां पे लिख सकते हैं एक्स एक्स फैक्टर टोटल चार्ज ऑन आयन, टोटल चार्ज ऑन केटायन या एनायन और एन
टोटल चार्ज ऑन केटाइन या टोटल चार्ज ऑन एनाइन, एक्स फैक्टर होता है। सो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना रखते हैं, फिर इसके आगे मैं कोलोरस लॉ डिस्कस कर देता हूँ और मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और डिटेल में पढ़ेंगे कुछ ही लेक्चर में, एक दो लेक्चर के बाद आप पढ़ेंगे इसको।